बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 28 अप्रैल 2020 चार रमज़ान और करोना वायरस का पहला केस आने का 63rd डे है। कल तक हमने 43,949 टेस्ट किए थे, पिछले 24 घंटों में हमने 4,112 टेस्ट किए। ये आज तक के सबसे ज़्यादा तादाद है, पहली बार हमने 4,000 टेस्ट को क्रॉस किया है। इस तरीके से टोटल टेस्ट की तादाद 48,061 हो गई है। कल तक 4,956 लोग इन्फेक्टेड थे इस वायरस से, पिछले 24 घंटों में 335 लोग इन्फेक्ट हुए। इस तरीके से टोटल तादाद 5,291 हो गई है सिंध में, जो कोरोना वायरस से लोग इन्फेक्टेड हैं। एक थोड़ी सी खुशाइन बात यह है कि हमारा नॉर्मली जो इन्फेक्शन रेट होता था, यानी जितने लोग हमने टेस्ट किए हैं और उसके हिसाब से जितने इन्फेक्टेड आए हैं, पहले वो तकरीबन 11-12% के करीब होता था, पिछले 24 घंटों में ये 8.15% है। और जब से हमने टेस्टिंग शुरू की है, टोटल टेस्ट जो किए हैं यानी 41,061 और उसमें से 5,291 पॉजिटिव आए, ये 11% बनती है। पिछले 24 घंटों में 38 अफराद सेहतयाब हुए हैं इस वायरस से, और इस तरीके से ये टोटल तादाद 963 हो गई है। पिछले 24 घंटों में 7 अफराद अपनी ज़िंदगी खो चुके हैं इस वायरस के, और इस तरीके से टोटल डेथ 92 हो गई है सिंध में इस वायरस से, जो लोग हलाक हुए हैं उनकी। इस वक्त 4,236 पेशेंट्स हैं, एक्टिव केसेस हैं, जिनमें 2,915 होम आइसोलेशन में है, 872 जो हमारे सरकारी रन आइसोलेशन सेंटर्स हैं उनमें हैं, और 449 अस्पतालों में हैं। इनमें से 13 वेंटिलेटर्स पे हैं जो अस्पतालों में लोग हैं, और 35 की कंडीशन क्रिटिकल, यानी टोटल जो है वो 48 लोग जो हैं वो ज़रा ज़्यादा बीमार हैं। डिस्ट्रिक्ट साउथ में इन्फेक्शन ज़्यादा हुई है, 89 की तादाद है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में 53 और फिर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में 43 है। कराची के 3 डिस्ट्रिक्ट, वैसे कराची की 6 डिस्ट्रिक्ट जो है अगर मैं आपको बताऊं तो ये सेंट्रल में 43 जैसे मैंने आपको बताया, उसके बाद कोरंगी में 28, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में 24 और मलीर में 21 है। रूरल एरियाज़ में यानी कराची से बाहर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें हैदराबाद में 17 केसेस आए और जेकबाबाद में 10 नए केसेस आए, वो एक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हमने की थी उससे ये केसेस आए। हमारी टेस्टिंग का तरीकाकार यही है जो हम एक फॉलो कर रहे हैं, ट्रेस टेस्ट एंड ट्रीट। पहले हम देखते हैं कि जी कोई ऐसा कॉन्टैक्ट या किसी के सिम्टम्स हैं उसको ट्रेस करते हैं, किसी पॉजिटिव पेशेंट के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करने के बाद चाहे वो पॉजिटिव आए तो फिर इमीडिएटली उसको आइसोलेशन में या अस्पताल में या घर में आइसोलेशन में रखते हैं, अगर नेगेटिव आए उसको भी हिदायत देते हैं कि जी आपका टेस्ट हुआ है इसलिए कि आप सस्पेक्ट थे, तो आप अपने आप को क्वारंटीन करें, आप एहतियात करें। टेस्ट नेगेटिव आने का ये मतलब नहीं है कि आप समझें कि आप बिल्कुल आपको कुछ नहीं होगा। ये वायरस बहुत जल्दी ट्रांसमिट होता है और कभी कभी ये टेस्ट थोड़ी देर बाद वाजह होता है, तो इस वजह से ये ज़रूरी है कि जो सस्पेक्ट है यानी कोई कॉन्टैक्ट का ट्रेस हो या किसी की तबीयत ख़राब हो रही हो तो वह एहतियात ज़रूर करें, बल्कि हर एक को एहतियात करनी चाहिए। ये वायरस बड़ी तेज़ी से फैलता है, इस वक्त हम जिस सिचुएशन में हैं ये वायरस स्प्रेड लोकल स्प्रेड इख्तियार कर गया है, हम सबको ज़रूरत है कि एहतियात करें अपने लिए अपने प्यारों के लिए। आप सबका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।